हाय एवरीवन आज मैं लेकर आई हूँ मटन करी की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है जिस तरीके से मैं आज आपको सिखाऊंगी बहुत ही बढ़िया बनता है आज हम इसे बनाने वाले हैं Geek के रोबो कुक इलेक्ट्रिक कुकर में जिसमें है ग्यारह ऑटो कुक मैन्यू फंक्शंस जिसमें आप बहुत सारी कुकिंग एक साथ कर सकते हैं ये मल्टीटास्किंग कुकर है बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा है जो लोग अपने किचन में बहुत कम सामान इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि खाना अपने आप बन जाता है आज मैं इस मटन करी को इसी कुकर में बनाने वाली हूँ आप इसे जो नॉर्मल कुकर होता है उसमें भी बना सकते हैं बहुत टेस्टी बनता है तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं हाय फ्रेंड्स मैं गीता वर्मा गीता किन्नू रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें ली हैं या ली है चार हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से काट लिया है दो इंच अदरक का टुकड़ा है इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है दस से बारह लहसुन की कलियां हैं दो बड़े लाल टमाटर लिए हैं और आधे किलो प्याज है ये चार बड़े साइज की प्याज है इसे हमें स्लाइस करना है तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है प्याज को हमें पीसना नहीं है हम इसे स्लाइस करके ही डालेंगे अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है इसमें लहसुन ऐड कर देंगे अदरक ऐड कर देंगे अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी टमाटर को हमें रफली चॉप करके डालना है इस तरह से छोटा काटने की जरूरत नहीं है बस इस तरह से रफली चॉप कर लीजिए क्योंकि हमें इसे पीसना है इसका मिक्सी में पेस्ट बनाना है अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है ये देखिए इस तरह का बारिक पेस्ट हमको तैयार करना है इसे मैं साइड में रख देती हूँ अब यहाँ पे मैंने एक किलो मटन लिया है जिसे हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी चार टेबल स्पून दही दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए नहीं तो मटन करी जो है आपकी वो खट्टी हो जाएगी एक टीस्पून स्पून यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला नमक स्वाद अनुसार नमक हम यहाँ पे दो से तीन बार इस्तेमाल करेंगे इसलिए बहुत ध्यान से ऐड करिए थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आपको हाथ का इस्तेमाल करना है क्योंकि हाथ से ये बहुत अच्छे से मिक्स होता है अगर चम्मच से करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा हमें इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके आप इसे आधे घंटे के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं ताकि जो मसाले हैं वो मटन के अंदर तक चले जाएं तभी जो आपका मटन है वो टेस्टी बनेगा तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए अब इस कुकर के मैं आपको फंक्शंस बता देती हूँ जो ऑटो को फंक्शंस है इसके ये ऑन ऑफ का बटन है ये कीप वाम का बटन है और कैंसिल का बटन है आप चाहे तो मेन्यू को कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिल नहीं करते तो ये अपने आप ही कीप वॉम में चला जाता है जहां आपका खाना गर्म रहता है ये डिले टाइमर है अगर आप एक घंटे बाद कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बटन को दबा दीजिए और टाइमर सेट कर दीजिए ये राइस है राइस का बटन दबाएंगे तो चावल अपने आप बन जाएंगे ये दाल और चना का है ये सांभर और ग्रेवी का है ये पोंगल और खिचड़ी का है अगर आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा इडली बनाना चाहते हैं तो इडली स्टैंड रख दीजिए सॉटे करना चाहते हैं ये मैनुअल है इसे आप अपने आप हीटिंग प्रोसेस को सेट कर सकते हैं ये नॉनवेज का ऑप्शन है नॉनवेज में आपको पुलाव बिरयानी मीट चिकन और फिश का ऑप्शन मिल जाता है तो इस तरह से ये चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आप इसकी जो हीट है उसे आप लो मीडियम हाई कर सकते हैं क्विक में ये सबसे फास्ट बनता है तो इस तरह से आप इसका जो हीटिंग लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हैं टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं तो ये ग्यारह ऑटो कुक मेन्यू के साथ आता है अब यहाँ पे हम लेड ओपन करेंगे तो ये जो एरो का बटन आपको दिख रहा है ये आगे करना है ओपन की तरफ ये खुल जाएगा इसके अंदर ये पाँच लीटर का कंटेनर दिया हुआ है ये जो कुकर है वो पाँच लीटर और आठ लीटर दोनों में अवेलेबल है आप कोई सा भी ले सकते हैं ये नॉनस्टिक है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इसमें चिपकने की क्योंकि नहीं चिपकने वाला है तो यहाँ पे अब मैं इसे स्टार्ट करने वाली हूँ मैंने प्लग इन कर दिया है और इसे मैं ऑन कर दूंगी यहाँ से क्योंकि सबसे पहले मुझे सॉटे करना है इसलिए मैं इस सॉटे का बटन दबा दूंगी क्योंकि मुझे पहले फ्राइंग से करनी है तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ कम से कम सात से आठ चम्मच सरसों का तेल मैं इसे सरसों के तेल में बनाने वाली हूँ अगर आप कोई यूज़ और यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं पर जो नॉनवेज होता है वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे अब यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं यहाँ पे मैंने दो तेज़पत्ता दो काली इलायची हाफ टी स्पून ज़ीरा दो हरी इलायची चार लौंग दालचीनी का टुकड़ा और आठ से दस काली मिर्च के दाने लिए हैं तो जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे हल्का सा फ्राई होने देंगे हरी मिर्च ऐड कर देंगे हरी मिर्च को भी हल्का सा फ़्राई कर लेंगे अब हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इससे प्याज़ जल्दी फ्राई हो जाती है तो यहाँ पे जो प्याज़ है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है तो इस तरह से ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है अब मैं इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसे भी हमें साथ में ही भून लेना है अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे मैं तीसरी बार नमक ऐड कर रही हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करिएगा एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे एक टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे एक टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे एक चौथाई चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और एक टी स्पून यहाँ मैं देगी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी मिर्च यूज़ की हुई है तो इसलिए अब मैं देगी मिर्च ऐड करूँगी जिससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है दो मिनट के लिए इस मसाले को भून लेंगे अब इसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देंगे इस मटन को हमें काफ़ी देर तक भूनना है जब तक इसका पूरा मॉइस्चर सूख ना जाए और जो मसाला है वो तेल ना छोड़ना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे मैंने इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक मसाले को भूना है मटन के साथ और अगर आपका जो सॉटे टाइमर है वो ख़त्म हो जाता है 30 मिनट का होता है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो आप फिर से सॉटे पर दोबारा से लगा सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भून गया है और तेल ऊपर नज़र आने लग गया है इसमें डाल दूंगी एक टेबल स्पून मटन मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं पर इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक मिनट के लिए भून लेंगे तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है इसमें ऊपर से तेल नज़र आने लग गया है तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं इसे सूखा बना रही हूँ ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी तो दो गिलास पानी ऐड कर रही हूँ अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो तीन से चार गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे दो गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है अब इसे हमें कवर करना है तो यहाँ जो शॉर्टिक ऑप्शन है उसे मैं कैंसिल कर देती हूँ अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी ढक्कन के लिए जो सीटी वाला हिस्सा है वो हमें इस तरह से फ्रंट में रखना है और अब इसे एरो से एरो मिलाते हुए क्लोज़ कर देना है अब मैं फिर से ऑन का बटन स्टार्ट करूँगी और नॉन वेज पर जाके मीट पर कर दूँगी दो बार प्रेस किया मैंने ये 40 मिनट का हमारा ट्राइम टाइमर सेट हो गया है इसे आप चाहे तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं क्विक पे भी कर सकते हैं टाइम पूरा होने पे तीन बीप आपको सुनाई देंगी इसका मतलब हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है इसके बाद आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल नहीं करते तो ये खुद ब खुद कीप वॉर्म मोड पे चला जाता है आपका खाना गर्म रहेगा जब तक आप उसे नहीं निकालते अगर आप कुकर को तुरंत खोलना चाहते हैं तो आपको इस नॉब को आगे कर देना है अगर आप नहीं करते हैं तो ये खुद ब खुद धीरे धीरे प्रेशर निकल जाएगा अपने आप ही तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ पर तुरंत इसे खोल रही हूँ तो नॉब को मैंने आगे कर दिया है और सारा प्रेशर निकल गया है अब इसे हम खोल लेते हैं एरो से एरो मिलाएंगे और खोल लेंगे यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मटन करी तैयार हो गया है अब इसके अंदर मैं ये हरा धनिया डाल दूँगी बारीक कटा हुआ और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी अगर आप इस इलेक्ट्रिक कुकर को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मटन करी तैयार हो गया है इसे हम सर्व कर लेते हैं आप इसे चावल के साथ खाइए रोटी के साथ खाइए जिस भी तरीके से आप खाना चाहते हैं उस तरीके से खाइए बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप इस कुकर को ख़रीदते टाइम मेरा कूपन कोड आर सी गीता फाइव यूज़ करते हैं तो आपको पाँच सौ की छूट मिलेगी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपने इसे ट्राई किया तो आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी